हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अगर अपने गार्डन पर अपराजिता प्लांट लगाया हुआ है तो उसमें फ्लोरिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ कैसे पा सकते हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक केयर एंड टिप्स। दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को अभी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्लांट है इसमें ये जो एक बेल रूपी प्लांट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे क्रैपर एंड वाइंस होती हैं, ये किसी के थ्रू नेट के या किसी भी स्टिक्स के या किसी लकड़ी के सहारे ये बढ़ता जाता है। तो देखिए, मैंने इसको ग्रो करने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की यहाँ पर रोप लगाई हुई है ताकि अच्छी तरीके से इसमें से राउंड एंड राउंड कॉइलिंग करती जाए और आराम से ये फ्लोरिंग में आए। क्योंकि जब ये ऊपर की ओर आती दोस्तों, और जब ये किसी के सहारे चढ़ जाती है, बैलेंस कर लेती है अपने आप को फुली स्टेबल, तभी अच्छे से फ्लोरिंग करती है। पर इसमें और अच्छी फ्लोरिंग कैसे पानी है, आज की वीडियो में आप वो जानेंगे, इसकी फ्लोरिंग को और बूस्टअप और इसकी थोड़ा सा बेसिक केयर के बारे में। तो अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इसमें दो कलर के दोस्तों फ्लावर्स आते हैं। जैसे कि इसमें एक आप फ्लावर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का फ्लावर है, सेम इसी में वाइट कलर का फ्लावर आता है। मैंने आपको वो कई बार शेयर किया हुआ है। तो ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, अभी देखिए, ये जो मेरे नीचे प्लांट, मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास देखिए, ये छोटे से पॉट पे लगा हुआ है, शायद ये दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि काफ़ी हाइट कर चुका है इसका। जो आप ग्राउंड कैप्चर देख सकते हैं ना, कितना ज़्यादा एकदम बुशी हो गया, पूरा इधर से उधर तक पूरा फैला हुआ है। तो बेसिकली इसकी ग्रोथ ये कैसे हुई, क्योंकि आप भी घर पे लेके आते हैं तो आप बोलते हो कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही थी उसकी और उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग फ्लावर आते हैं बाद में नहीं आते, क्या रीज़न रहता है? तो ये देखिए, ये सब जो है अभी ये ऊपर की ओर ग्रो करने लग गए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बढ़ रहे हैं। और देखिए, वहीं मैं बात करूँ अपने इस दूसरे प्लांट की, तो देखिए वो दूसरा प्लांट था, ये दूसरा प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये प्लांट की ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी कितनी अच्छी चल रही है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। पर अगर आप उसमें उस प्लांट की लीफ से कंपेयर करेंगे इस प्लांट में, तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ की न्यूट्रिशनल की कमी लग रही होगी। देखिए आपको, जिसमें कलर भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, साइज़ एंड शेप भी बहुत ख़राब ही मैं कहूँगा, और जिसमें फ्लावर आ रहे हैं, देखिए फ्लावरिंग बड्स तो बन रही है पर कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है फ्लावर में, प्लस इसकी जो शेप है, साइज़ है, वो काफ़ी छोटी हो रही है। तो ये बेसिकली होता क्यों है, अगर आपके प्लांट में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, प्लांट को कैसे फिर से हरा भरा और अच्छी फ्लोरिंग में ला सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एकदम बॉटम से। तो देखिए, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, मेरे पास ये DIY मटेरियल है, मैंने वेस्ट मटेरियल से इस बकेट में इसको प्लांट किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पॉट नहीं था अवेलेबल, मेरे पास यही थी, तो फिर मैंने इसमें पॉट कर दिया। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से 10 इंच की ही छोटी सी बकेट होगी और इसमें देखिए मैंने इसको प्लांट को लगाया है, तो अब ये काफ़ी मैच्योर हो गया है। इस कारण से क्या होता है कि कई बार रूट बाउंड कंडीशन में प्लांट जो है उसी में इसकी जो रूट रहती हैं वो घूमती रह जाती हैं नीचे ही नीचे। उस कारण से क्या होता है कि अब इसमें जो है काफ़ी हैवी फीडिंग की ज़रूरत हो चुकी है और इसको काफ़ी ग्रो करना है डीप में, पर प्लांट में या पॉट पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम इसे और ज़्यादा नीचे तक ग्रो कराएं। तो सबसे पहले, अगर आपके प्लांट में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपका प्लांट काफ़ी मैच्योर हो गया है, तो आप उसे अभी का अभी दोस्तों रिपॉट कीजिए। रिपॉट की काफ़ी सारी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं कि कैसे उसको रिपॉट करना है, नए प्लांट में शिफ्ट करना है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। फिर भी जो है, आप इसको अच्छी तरीके से निकालिए, थोड़ा सा इसके जब आप सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो फिर नया सॉइल मिक्सचर आपको ऐड करना है। पूरी रूट इसकी आप ओपन मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा रूट में मिट्टी जो पुरानी वाली सॉइल है उसको रहने दीजिएगा। कई बार क्या होता है, बिगनर्स पूरी जो है सॉइल्स को निकाल लेते हैं, उस कारण से प्लांट जब आप रिपॉट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, फिर वो शॉक में चला जाता है। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि पूरी मिट्टी को लूज़ आप मत कीजिएगा। उधर से आप जब नया पॉट में से शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसकी नई ग्रोथ निकल के आएगी तो अपने आप दोस्तों, क्योंकि आप जो है हर 15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो कहीं ना कहीं आपको मिलना ही है। तो आप जब उसमें फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसमें नई ग्रोथ फिर से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो कर्ल होने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं। उसका भी एक सबसे बड़ा मेन यही रीज़न होता है कि इसमें जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो इसके लिए आप जो है फुलफिल, मतलब इसके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और जिसमें स्पेस है तो वो भी काफ़ी कम है। तो प्लांट जो है किसी तरह सफ़र कर रहा है आपके साथ और बहुत ही क्राइसिस में ये ग्रो कर रहा है, इसलिए आपका टाइम ये आ चुका है कि इसको रिपॉट करें। अगर आप रिपॉट करेंगे, अच्छी इसमें आपको फ्लोरिंग देखने के लिए मिलेगी, प्लस
इसमें एक और जो है फ्लॉरिंग कम आने का जो रीज़न होता है, सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं उनको पता नहीं होता, जिसके फ्लावर होते हैं दोस्तों, जिस भी दिन आपके घर पे ये ब्लूम करें, अगर आपको भगवान को चढ़ाना है या डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है, तो आप इसको तुरंत दोस्तों यहाँ से निकाल लें। इसको निकालने का बेनिफिट ये है कि आपका जो फ्लावर है वो तो आपको देखिए देखने के लिए लगेगा कि मैंने तोड़ लिया। आप उसको हाफ़ डे के लिए भी रख सकती हैं, पूरा दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, शाम को आप पिंच कर लीजिए। तो अपने प्लांट में जो फ्लावर रहते हैं उसको पिंच ज़रूर कर लिया करिए। पिंचिंग से क्या होगा कि जब ये प्लांट निकलते जाएंगे, इसके जो फ्लावर निकलते जाएंगे, तो नेक्स्ट डे इसमें नई जो है दोस्तों ब्लूमिंग होगी, नई फ्लावरिंग आएगी, तो उससे प्लांट में क्या होगा, अच्छा आपको एक रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये जो कई बार इसके जो फ्लावर होते हैं ना, इसमें सारे, कई बार नहीं मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादातर ही देखने के लिए मिलेगा, हर एक फ्लावर में अगर आप नहीं तोड़ोगे, इसके स्पेन फ्लावर हो जाते हैं, उसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली सीड पॉट बनता है, सीड फॉर्मेशन होने लगती है। तो प्लांट सारी एनर्जी अपनी सीड्स बनाने में लगा देता है, और जो आप फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट को प्रॉपर उसके नहीं मिल पाता, ना रूट में ना लीव्स में, मतलब वो फूड प्रॉपर तरीके से नहीं भेज पाता। सारा जो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरा सीड पॉट में पूरा फोकस कर देता है, प्लांट में उस तरह की कंडीशन में भी जो है आपकी फ्लॉरिंग नहीं आती है। तो ये सब जो छोटी छोटी बात है आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरी एक और कि आप जो है इसको टाइम से फर्टिलाइज करेंगे, साथ ही में जो इसकी सनलाइट कंडीशन है वो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने इसको शेडी प्लेस में प्लेस किया है तो बिल्कुल भी फ्लॉरिंग नहीं करेगा। आपको मॉर्निंग की सनलाइट इसे प्रोवाइड करनी है, चार से पाँच घंटे की। अगर मॉर्निंग की सनलाइट इसे मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि शेड एरिया में ना ही कोई फ्रूट्स आते हैं ना ही कोई फ्लावर्स आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा अगर अपने घर पे लगा रहे हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों का दोस्तों अच्छी तरीके से आप अपने प्लांट में केयर करते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं उसमें कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जिसमें इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, लीव भी अच्छी आए, रूट भी अच्छी डेवलप हो, इसके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आए, फ्लावर भी खिले और उसमें जो कलर आए वो काफ़ी अच्छा हो। देखिए अपराजिता प्लांट में अच्छी फ्लोरिंग के लिए दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिक तीन फर्टिलाइज़र जो आपको डालने हैं, और आप देखेंगे कि आपके प्लांट में भी विजुअल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला दोस्तों मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ बोन मील। बोन मील काफ़ी अच्छा वर्क करता है, रूट में अगर बात करूँ तो रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करेगा, कलर बहुत अच्छा बनाता है प्लांट में आपके, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, तो दो दो चीज़ इसमें आपको मिल जाती हैं प्लांट के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है, मैंने आपको कई बार शेयर किया है। साथ में दोस्तों मैंने यूज़ किया है दोस्तों पोटाश। पोटाश आपकी जो फ्लोरिंग कई बार आप देखते हो गिर जाती है, झर जाती है, आप बोलते हैं ना पीले पड़ जाते हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि प्लांट में फ्लावर आने के बाद भी आपको फ्लोरिंग नहीं मिल पाती। तो पोटाश आपकी जो फ्लोरिंग है उसको बूस्टअप करेगा, प्लस जो आपकी बर्ड जो हैं गिर जाती हैं, बर्ड फॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, उसको ये होल्ड करके रखेगा, काफ़ी अच्छा कलर भी आएगा। जो उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ये दोस्तों NPK, जो कि एसेंशियल नीड होती है प्लांट को, डालना ही डालना है दोस्तों हर 15 दिन में। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास का बैलेंस रेशियो है, मैं 90-90-19 का यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो दूसरे भी अगर मिल जाते हैं 20-20-20 तो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। बैलेंस यूज़ करेंगे तो प्लांट में आपको तीनों चीज़ बैलेंस मिल जाएगी तो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो नाइट्रोजन से आपकी लीव वगैरह अच्छी आएंगी, फॉस्फोरस से दोस्तों आपकी जो है स्ट्रक्चर की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी, रूट अच्छी होगी, और प्लांट जो है आपका ख़राब कम होगा, और जो लास्ट में आता है पोटास उसमें फ्लॉरिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से वो देगा। तो ये तीनों चीज़ का अगर आप यूज़ कर देते हैं तो प्लांट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे आखिर से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के पहले आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपको अच्छी तरीके से अपनी जो है गुड़ाई करनी है। ये मैं जो फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहा हूँ ये डायरेक्ट रूट पे दे रहा हूँ, तो इसको आप डिसॉल्व करके भी दे सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप डिसॉल्व नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। वैसे अगर आपको जल्दी रहती है दोस्तों, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है, तो वाटर डिसॉल्व करके आप दे सकते हैं। पर कुछ फर्टिलाइज़र जो रहते हैं आपको वो ड्राई ही यूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि आप जो है उनको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं पानी में जल्दी से। जैसे DAP वगैरह है, डिसॉल्व तो हो जाती है, वाटर सॉल्युबल होती है, बट टाइम लगाती है थोड़ा सा। तो वो सब कंडीशन में आप थोड़ा सा गुड़ाई करके इसको दे देंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्लांट पे ये मिल जाएगा। तो देखिए हम इसको चारों तरफ से थोड़ा सा सॉइल को सफल कर लेंगे, रूट बॉल को इसके बिल्कुल भी डैमेज ना हो, रूट में बिल्कुल भी हार्म ना करे हमारा गार्डनिंग टूल, ये आपको हमेशा मेक श्योर कर लेना है। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सा इसकी दोस्तों यहाँ पे गुड़ाई कर ली है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपने तीनों फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से मिक्स करके और अब ये प्लांट पे हमको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है।
क्वांटिटी मैं बता देता हूँ आपको, मैं टीस्पून के हिसाब से बता देता हूँ, तो आप 1 टीस्पून आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो आप बोन मिल को थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक है, तो प्लांट में जल्दी हार्म भी नहीं करता है, तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा ऐसे कुछ, ये देखिए ऐसे इसको चारों तरफ से अप्लाई करना है। रूट को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि दूर ही रूट से आप डालेंगे, तो केमिकल फर्टिलाइज़र है, सेफ़ साइड के लिए आप अपने ऐसे करिएगा, प्लांट ख़राब नहीं हो, बस आपका प्लांट ख़राब नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद फिर से हमको जो है जिस ऑयल को हमने सफल किया था उसी से इसको फिर से ढक देंगे। देखिए हमने ढक दिया है, अब लास्ट में हमको इसमें फाइनल वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करेंगे तो प्लांट अपने आप देखेंगे दोस्तों आपको कि हफ्ते भर में इसकी जो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी प्लांट में वो अच्छी तरीके से ट्रीट होने लग जाएगी। तो ये देखिए मैं आपके सामने ही जिसमें वाटरिंग करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए अच्छी तरीके से वाटरिंग करेंगे, ये देखिए ये मैंने वाटरिंग कर दी है। अब ये जितनी भी प्रोसेस ये कंप्लीट हो गई है, बस आपको अब वेट करना है कि ये जो फर्टिलाइज़र है कैसे काम कर रहा है। वैसे भी केमिकल फर्टिलाइज़र जल्दी इंस्टेंट वर्क करते हैं, तो आपको जल्दी ही कुछ ही दिनों में इसमें रिज़ल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके प्लांट में भी अच्छी अगर ग्रोथ हो रही है, रिज़ल्ट आए, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अभी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उस क्वेरी का जो आंसर करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।